अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के बमौरी विकासखंड के ग्राम बिरहा में दशहरा मैदान में आयोजित जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना की तथा समाज के पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बघेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत बिरला एवं बमीदी को नगर पंचायत बनने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत बिरला में ही नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने और नवीन सामुदायिक भवन बनाने, बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। और तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू जी, तमाम हमारे जनप्रतिनिधि और समाज के सब पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग उपस्थित हुए। और सामाजिक सुधार बहुत ज़रूरी है, समाज प्रगति की ओर तब चलेगा जब समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, समाप्त होगा। कि किसी भी प्रगति से समाज की पहचान यही है कि शिक्षा की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। तो लगातार साहू समाज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं सभी बालेश्वर भाई और पूरी टीम को बधाई और शुभकामना। अब आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल सर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह जी का इस्तीफा की बात सामने, ठीक है, उन्होंने दिया है और राज्यपाल को भेज दिया गया है। हाँ, बमनी डी को, बिरला को नगर पंचायत बनाने का और यहाँ सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृति और जो दहिया क्या दहिदा जो दहिदा जो पुल है उसके लिए भी मांग थी, उसकी घोषणा मैंने की। जुगल प्रदेश अध्यक्ष बदल गए हैं, नेता प्रतिपक्ष का कटाक्ष है क्या? अजी जुगल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बदल गए हैं, नेता प्रतिपक्ष को माना आना है कि कांग्रेस में अंदर से गुटबाजी है क्या? गुटबाजी तो उन पर दिखाई दिया था, विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को हटा के बनाया गया था और अभी भी संभल नहीं रहा है और उसके प्रभारी बार बार बदल रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे। पुरंदेश्वरी जी आई थी, वो नहीं संभाल पाए, मेघवाल जी, जामवाल जी, वो नहीं संभाल पाए। अब उसके बाद फिर माथुर जी आए, उससे नहीं संभल रहा है, तो फिर उनके साथ मनसुख को जोड़ा गया, उससे भी नहीं संभाल पा रहा है, तो अमित शाह जी का मान संभाले हुए हैं। तो स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल बिखराव है और उनसे संभल नहीं रहा है। सर, चूँकि अब जयपुर विधानसभा में है, जयपुर विधानसभा में दो बार से बसपा का कब्जा रहा है, इस बार क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए, जयपुर में दो बार से रहा है, वो समीकरण के हिसाब से जीत जाते हैं, लेकिन अब इस समय ऐसा नहीं होगा। अब वो तो जो राजस्व विभाग उसको देख रहे होंगे, अब एक एक चीज़ के बता नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा इंतजार करिए। थैंक यू।